केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बक्सर से पटना लौटते समय उनके काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी व ड्राइवर घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां खुद केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अश्विनी चौबे ने घायलों से मुलाकात की। दरअसल अश्विनी चौबे अपने काफिले के साथ बक्सर से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर में कारकेड में कुरान सराय थाने की गाड़ी पलट गई। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी ठीक पीछे चल रही थी। वो अपनी इनोवा कार में सवार थे, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से वह हादसे का शिकार होने से बच गए। खुद अश्विनी चौबे ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, बक्सर से पटना जाने के क्रम में डुमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर में कारकेड में चल रही कुरान सराय थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रभु श्री राम की कृपा से सभी कुशल हैं। घायल पुलिसकर्मियों एवं चालक को लेकर डुमराव सदर अस्पताल जा रहा हूं। वहीं हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों को निकालने में मदद करने वालों की तारीफ की है। आप देख रहे हैं ना अजय तिवारी जी को, अजय तिवारी जी हाँ, हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता भाजपा के बहुत ही दिन रात खटने वाला कार्यकर्ता, गरीबी से इसने अपने जीवन को चलाया और आज भगवान केदारनाथ जी ने इसको बहुत बड़ी शक्ति दिया कि जैसे ही हम लोग दौड़े मेरे गाड़ी के ठीक 10 फीट सामने और इसने बजाते हम सब पुलिस फोर्स जितना भी हमारे स्कॉट बॉडीगार्ड पटना का पुलिस फोर्स जो था तो साथ में चल रहा था और इसने पहला जा करके गाड़ी में कूद करके अपने जूते से मार करके शीशे को तोड़ा, पानी में खींच करके घींचा और हम लोग फिर पकड़ पकड़ करके इसको हम सब लोगों ने सहयोग करके सबको पेशेंट को निकाला और फिर वहां से मैंने बॉडीगार्ड को और अपने कार्यकर्ता को कहा मृत्युंजय को कि आप लेकर के हॉस्पिटल बढ़ो, सबको हॉस्पिटल बढ़ाया, सारा आर्ट छूटा हुआ था ये निकाल करके आर्ट पानी से निकाला, इसने पूरा आर्ट निकाला, इसके मोबाइल गिर गए थे पानी, बहुत भगवान इसको बहुत बड़ा इसे तो 26 जनवरी का गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए, इसने बहुत बड़ा काम किया है और केदारनाथ जी भगवान की बड़ी कृपा है, रक्षा करेगा, जाओ